आज आपने क्या लगाया है? हम एशियन सहयोगी संस्था से हैं और हमारे यहाँ 0 से 10 साल के बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं। उन छोटे बच्चों द्वारा ही ये सब बनाया हुआ है। ये कागज के बैग भी उन्होंने बनाए, आर्ट क्राफ्ट का काम है। ये टीचर लोग हैं, इन लोगों ने सिखाया है उनको बनाने के लिए। ये पेंटिंग भी हमारे यहाँ के छोटे बच्चों ने बनाया है। ये जितने ये लगे हैं ये सब भी 0 से 10 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने ही बनाया, जिसमें हमारे टीचर लोग का गाइडेंस है, जिसको देख के वो बनाते हैं। ये सब लगा है, हैंडमेड बच्चों ने बनाया है यहाँ के। ये सब मेरे बच्चे बनाते हैं, जो आपसे थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे हैं। पर्पस कि बच्चों का हुनर है हमारे वहाँ के, उसको विकसित करना। उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरी बनाई हुई चीजें बाहर जा रही हैं, खरीद रहे हैं लोग, उनको बताया जाएगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। और ये बनाते समय उनका टाइम भी अच्छा कटता है, हमको उनको बिजी भी रखना है और उनकी कला भी बाहर निकल के आती है, निखरती है। अभी तो जैसे बच्चे बना रहे हैं तो ये जो जितनी चीजें क्या मार्केट लेवल पे भी अभी कुछ ऐसा कुछ आप लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है कि टाइम टू टाइम, जैसे रक्षाबंधन है तो हम लोग अपने ही ऑफिस के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लेंगे, क्योंकि मेरा तो मार्केट में घंटा घर में है, तो देखते हैं क्या होता है, ऐसा प्लानिंग चल रही है हम लोग। ये 15 अगस्त में उनको पूरा 50 पीस चाहिए संस्था से बनाने, तो वो हम लोग जो है देंगे उस समय। और डीपीओ सर के यहाँ से भी ऑर्डर हुआ है। आज यहाँ आप लोग ने क्या लगाया है? आज हम लोग जो हमारी एक संस्था है प्रतीक्षा शेल्टर होम, वहाँ पे 10 साल से 18 साल तक की बच्चियाँ रहती हैं, तो वो लोग जो है क्राफ्ट आर्ट वगैरह बनाती रहती हैं। तो ये राखी बनाई है, ये एम्बलम बनाई है, ये रोज बनाई है 15 अगस्त के लिए, तो उसका हम लोग एक स्टॉल आज लगाए हैं, प्रदर्शनी लगाए। ये बच्चों को ट्रेनिंग कौन देता है? क्राफ्ट टीचर है वहाँ पे, हाँ वो बच्चों को बताती हैं, गाइड करने की जरूरत है, बच्चे बना देते हैं। मैं अधीक्षक रांची संप्रेक्षक किशोर गोरखपुर, जो बच्चे यूथ होते हैं उनके द्वारा तैयार किए गए सब सामान हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं और करते रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ और भी इसके सब कलाकृतियाँ बनाए बच्चों ने ही बनाया है। और इस प्रदर्शनी में उन बच्चों के बनाए हुए सारे सामान जो हमारे दिखाई दे रहे हैं सब बच्चों के ही बनाए हुए हैं। तो इन्हें सब ट्रेनिंग कौन देता है? ये ट्रेनिंग हम ही में इसी स्टाफ में से ट्रेनर रखे गए हैं, अध्यापक जो है वो अच्छा प्रयास करते हैं, आप हमारे प्रशिक्षक हैं यही प्रयास करते हैं, समय समय पर कुछ ट्रेनर्स जो है आते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर आते हैं, इसके योगा के आते हैं, संगीत के आते हैं और आर्टिस्ट आते हैं, वो लोग करते हैं। मैम क्या चीज़ लगाया, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए हमारे दर्शकों को। सर ये जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया है, तो उन्हीं की प्रदर्शनी लगाई गई है कि जेल में, मतलब वो जेल से जब बाहर निकले तो क्राइम की दुनिया से दूर हो के उनके पास कोई स्किल हो, काम करने की क्षमता हो, कि बाहर जाके क्राइम ना करें, ये सब काम करें और अपना जीवन निर्वहन कर सकें, इसलिए उनको काम सिखाया जाता है। तो उसी में टेराकोटा से हो गया या फिर पेंटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें सिलाई हो गई, ये एशियन सहयोग जो संस्था ये लोग भी जाते हैं सिखाते हैं, टेराकोटा की जो संस्था होती है वो भी जाता है। और फिर हमारा एक जो वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद करके ये गोरखपुर को टेराकोटा का उत्पाद मिला है ना, हाँ, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए टेराकोटा को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है, तो उसके लिए ज्वेलरी ये सब मूर्तियाँ बहुत कुछ सर बनाई जाता है। मैम अभी जैसे ये मूर्तियाँ तो काफ़ी अच्छी लग रही कि जो बनाए हैं वहाँ पे, तो इसको और प्रमोट करने के लिए से बाहर जाके सेल हो, फिर ऐसा कुछ स्टॉल लगे तो जैसे गोरखपुर महोत्सव था वहाँ भी हमारा स्टॉल लगा था, गोरखपुर जिला कारागार का, फिर एक बार और कचहरी में लगा था, या लखनऊ जहाँ भी प्रदर्शनी या कोई महोत्सव होता है तो वहाँ पे लगाया जाता है उनको मोटिवेट करने के लिए, कि मतलब अब जितना उनका सामान आगे तक जाएगा वो लोग प्रशंसा करेंगे तो उनका मन बढ़ेगा, तो इसलिए हर जगह लगाया जाता है। मैम वैसे तो इतनी अच्छी चीजें हमने देखी यहाँ पे,
भीड़ तो कैसा रहा, पब्लिक का रुझान कैसा रहा? सर रुझान तो बहुत अच्छा रहा इस बार यहाँ का, जितने पब्लिक लोग आए बहुत प्रशंसा किया गया कैदियों। सब तो सब पहले क्वेश्चन ये रहता है कि कैदियों द्वारा बनाया गया है, बताना पड़ता है कि हाँ कैदियों द्वारा बनाया गया है। वो लोग सोचते हैं कि मतलब सब लोग यही कह के जैसे हमारा ये पब्लिक विजिटर ये बुक भी है, इसमें लोग अपनी मतलब फीलिंग्स लिख के जाते हैं कि हाँ हम कैसे महसूस कर रहे हैं और अच्छी बात है या बुरी बात है, जो भी मतलब वो लोग अपना फीलिंग्स बयां करते हैं। यहाँ का बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत प्रशंसा भी किया हमारे कार्यक्रम का, जो हमारे अध्यक्ष सर द्वारा और जेल कारागार की तरफ चलाया जा रहा है। सब लोगों ने हमें मोटिवेट किया है और हम लोग यही अपना मोटिवेशन अपने बंदियों को जाके देंगे। और मैम ये कार्यक्रम जो है कब कब चलाया जाता है, इसकी टाइमिंग? टाइमिंग नहीं है, वो लोग हमेशा जैसे वो चलता रहता है, सिलाई हो गया, टेराकोटा हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, पेंटिंग वेंटिंग हो गया, अभी मतलब कंपटीशन भी कराया जाता है बंदियों में ही, हमेशा चलता रहता है। जब भी हमें मौका मिलता है, ओकेजन होता है कोई ऐसा कि वहाँ पे चार लोग आएंगे देखने के लिए, तो वहाँ पे मतलब जैसे हमें जानकारी मिलती है वहाँ जाके लगाया जाता है। वहाँ पे हम लोग स्टॉल ले लेते हैं और लगाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हाँ भाई ये जेल में ये सब कार्यक्रम चल रहा है लोगों को सुधारने के लिए, उनको एक स्किल देने के लिए, और जहाँ भी होता है वहाँ लगाया जाता है। अगर कोई काम नहीं करेंगे, आपके एकांत में बैठे रहेंगे, तो उनका दिमाग सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचता है जो वो करके आए, या तो कोई अगर करके आया है, जब कोई नहीं करके तो वो और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता है कि हम कुछ किए भी नहीं और हम जेल में आ गए, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। उनको ये सब अब इसमें काम में मतलब वो जब मशगूल रहते हैं तो अपना वो भूल जाते हैं, तो थोड़ा मेंटली भी मतलब जैसे देखिए कि पहले सुसाइड का केस जेल में बहुत ज़्यादा होता था, वो सब बहुत कम हो गया है और इसीलिए मतलब उनको व्यस्त रखा जाता है कि वो बहुत वो सब क्राइम के बारे में चाहे जो भी उनका पिछला जिंदगी उसके बारे में ना सोचें, आगे के बारे में सोचें। थैंक यू।